इसलिए करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है। करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, आप लोग करते हो ना करवा चौथ का व्रत, उसका जब उद्यापन होता है तो एक थाली में 13 जगह पर चार चार पूड़ी रखी जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोगों ने करा होगा करवा चौथ का उद्यापन। एक थाली में 13 जगह पर पूड़ी और सीरा, सीरा मतलब हलवा रखा जाता है, और रखने के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी, 5 वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस पर रखी जाती है, और रखने के बाद में हाथ में कंकु, चावल, हल्दी लेकर संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाता है। कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी माँ, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पाँव की बिछोड़ी, इसको अमर करना माँ। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनरी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की व्रत सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाता है। उसके बाद में आप फिर ब्राह्मणों का भोजन कराओ, बड़े प्रेम से बुलाओ और ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराओ। जय महाकाल साथियों, सभी माता बहनों को करवा चौथ की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी का अखंड सुहाग रहे, भोले बाबा सभी पर ऐसी कृपा करें। इसके साथ साथियों, गुरुदेव ने बताया है कि करवा चौथ पर ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को जिमाया जाता है, उनमें घर के सदस्यों को नहीं गिनना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं घर के सदस्य तो वैसे भी जीमेंगे, आपके रिश्तेदार तो वैसे भी जीमेंगे साथ में, और जब आप करवा चौथ का उद्यापन दें तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाएं या अन्य किसी और जोड़ों को जिमाएं, पर अपने घर के सदस्यों को उसमें नहीं गिनना चाहिए। इसी के साथ सुंदर करवा चौथ की फिर से अग्रिम बधाई देते हुए साथियों, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।